अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो का सेकंड पार्ट, मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड पार्ट भी आ रहा है और इस टास्क का सेकंड पार्ट आ रहा है, दूसरा रास्ता है, तो हम चलेंगे और इसको भी करेंगे, इस टास्क को। तो पहले आप लोगों को टास्क एक बार फिर से दिखाता हूँ, वही टास्क है, उसमें थोड़ा सा बस चेंजेस जो है वो ये है कि रास्ता चेंज है, ठीक है, बाकी सब कुछ वही सेम है। सो आइए आप लोग को दिखाते हैं एक बार फिर से टास्क। और टास्क में हमारे पास दो प्लैंक्स हैं और इसके अलावा जो है वो दो ड्रम है, पहले तीन ड्रम थे, अभी ड्रम कम करके इसको दो कर दिए। सो वही टास्क है, हम लोग को थोड़ा सा टास्क दिखा लेते हैं फिर से। ये टास्क है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो आपको जो ब्लू स्पॉट नज़र आ रहा है ना, वो फिनिशिंग पॉइंट है। सो ये वाइट जो है आप लोग को नज़र आ रहा है कि इन बॉन्ड है सामान के लिए भी, हमारे लिए भी। और जो ये ब्लू ब्लू स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक ब्लू स्पॉट ये है जिसमें आप लोग ड्रम रख के जो है इस पर खड़े हो सकते हो, अगर ड्रम नहीं हुआ कोई चीज़ नहीं हुआ तो आप इस पर डायरेक्ट जो है वो कोई सामान भी नहीं रख सकते और खड़े भी नहीं हो सकते। सामान का मतलब ये है कि आप इसमें डायरेक्ट जो है पट्टा नहीं रख सकते। इसी तरह आपको जो है ये बाकी स्पोर्ट नज़र आ रहे हैं, SSB सेंटर में जो है वहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ पे जो है मैं छत पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसी ब्लू स्पॉट बनाए हुए हैं ये ड्रम के लिए, सामान रखने के लिए। वो जहाँ तक ये रेड एंड वाइट है, जहाँ भी आपको SSB में टास्क में रेड एंड वाइट नज़र आ जाए तो आप जो है उस पर सामान रख के खड़े हो सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं हो सकते, आप इस पर डायरेक्ट इस तरह खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, ये फॉल कंसिडर किया जाएगा। सो आइए आप लोग जो है मैं टास्क जो है वो करके दिखाता हूँ। सो फर्स्ट जो रास्ता था वो ये था, पहला वाला रास्ता जिससे हमने एक टास्क कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसी टास्क को जो है इसका जो दूसरा रास्ता है वो इख्तियार करके जाएंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। यस, सो स्टार्ट करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इनको ब्रीफिंग देता हूँ, आप हमेशा जो आपके साथ कैंडिडेट होते हैं ना, आप उनको गाइड करें, जो आपके साथ बाकी जेंटलमैन बोलो या चेस्ट मेंबर से पुकारो, वो जो आपके साथ होते हैं ना, तो आप उनको गाइड किया करो। सो आ जाए, दिस इज योर टास्क, स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट इज फिनिशिंग पॉइंट। सो माई प्लान इज दैट वी विल गो फ्रॉम दिस वे, सो लेट स्टार्ट। ये ड्रम उठाएं आप, प्लेस इट देयर। सो Now we have to go there. Give me that plank. Let's place it over here. कोशिश करो कि वहाँ पे इंग्लिश में बात करो, ठीक है? Place it over here. Gentlemen, you stand over here. वहाँ से आ जाए ताकि आपके मुँह से रखो। ग्रैप कर लोगे ना? ओके, खड़े हो जाओ। मैं भी यहाँ पे खड़ा होता हूँ। वेट, क्योंकि वहाँ से ड्रम नहीं पहुँच रहा था स्टार्टिंग लाइन से, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो जो स्पेस है वो दूर है, तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ क्योंकि प्लेन का हिस्सा है। सो अभी मैं ऐसे ही जाऊँगा, थोड़ा सा आप पीछे जाए थोड़ा। जब कोशिश करो गाइड करते रहो, जो आपके साथ बंदा खड़ा होता है ना उसको गाइड करते रहो, अगर आप गाइड नहीं करोगे तो वो आपके साथ टास्क में आगे नहीं जा सकता। सो मैं इनको गाइड इसी वजह से कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ तो आप थोड़ा पीछे जाए, ठीक है, ताकि बैलेंस जो है वो हो सके। अभी हम बैलेंस है, ओके, मैं यहाँ से जो थोड़ा सा और आगे जाके इसको प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। फाउल, अच्छा ये फाउल क्यों है? क्योंकि मेन जो स्पॉट है उसमें ये फिक्स नहीं हुआ। ओके, टेक इट बैक, लेट्स डू इट। ओके, सो ये प्लेस कर लिए, अब मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा वापस। ओके, थोड़ा सा, ओके, चले उतरे उतरे। ओके, सो हमने ड्रम प्लेस कर लिया है वहाँ पे, थोड़ा सा इसमें ख्वारी है, लेकिन ये है कि आपका टास्क कंप्लीट होगा, आप जितना मेहनत करोगे उतना ही GTO के नज़र में अच्छे होगे, अच्छा कंसिडर होगा, पॉजिटिव कंसिडर होगा। सो इसमें थोड़ा सा मेहनत है, बाकी कुछ नहीं। सो आप जो है आप इसको रखो, प्लैंक रखो, नीचे से रखो, प्लैंक पहुँच रहा है। ओके, सो अब प्लैंक जो है वो पहुँच रहा है, ठीक है, इसको आप इंग्लिश में प्लैंक बोलोगे। ओके, मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ पहले आप चले जाएं, यहाँ से जाओगे ड्रम पे खड़े होना, ठीक है, जब ये यहाँ से जाए तो यहाँ पे पावर आजमी रखे, क्योंकि ये ड्रैग हो सकता है, स्लिप होगा तो ये गिरेगा। ओके, ड्रम पे खड़े हो जाओ, हो गए खड़े। ओके, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने सामान का खास ख्याल रखना है, अपने साथ सामान ज़रूर ले जाएं, ठीक है, जो आपसे हो सकता है वो ले जाओ, बाकी आपके साथ कैंडिडेट लाएंगे। तो ये ड्रम आप पकड़े, अब हम कोशिश करेंगे कि हम इस सामान के साथ जाए,
क्योंकि हम दोनों इस सामान के साथ जा सकते हैं। पीछे जो एक पटा रह जाएगा वो हमारे साथ, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं ना वो भी साथ ला सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो। ठीक है, थोड़ा साइड पे होना, अभी कोशिश करेंगे कि ड्रम वहाँ पे प्लेस कर ले। ओके, सो ये ड्रम वहाँ पे प्लेस कर ले, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ताकि भी आराम से ये चीज़। गुड, ये प्लैंक उठाएं, इस पे रख के देखे। हम कोशिश करते हैं, हमेशा ये कोशिश करो कि आप बड़े प्लेन के साथ जाओ। ठीक है, अच्छा मैं इस वजह से आप लोगों को दो तीन रास्ते से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। हम अगर इस ड्रम पे जा रहे हैं, इतने ख्वारी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को टास्क समझा सकूँ, वरना मैं उस रास्ते से भी जा सकता था डायरेक्ट। आप आगे जाएँ जाएँ जाएँ, ड्रम पे खड़े हो जाओ, ड्रम पे खड़े हो जाओ, डाले, बस बस छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। ओके, मैंने थोड़ा इस टास्क को जो है इस वजह से डिफिकल्ट कर लिया क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकता था, यहाँ से यूँ, यहाँ से देखें मैंने प्लेस कर लिया, यहाँ से मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, फिर हमारा फिनिशिंग लाइन जाएगा। लेकिन उसमें एक ये मसला है कि हम वहाँ पर जो है वो पाव डायरेक्ट नहीं रह सकते हैं। तो हम जब डायरेक्ट जाएंगे तो हमारे साथ जैसे कि फॉर एग्जांपल थर्ड एक कैंडिडेट होगा, मैं उसको बोलूँगा पट्टा मुझे दे दे, तो वो पट्टा जब मुझे देगा तो मैं उस पर रख के ना उस पर खड़े भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के जो है पट्टा छोड़ दिया, ये रास्ता इस वजह से इख्तियार कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और इसी टास्क में मैंने आपको ये भी बता दिया कि तीसरा रास्ता वो है, उस तीसरे रास्ते को भी हम लोग टच देंगे। मैं इसको इस रास्ते से वहाँ ले जा रहा हूँ, मैं खुद फिर इस रास्ते से जाऊँगा ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया ना कि अगर थर्ड पर्सन होता तो वो मुझे पटा देगा, तो मैं इनको उस रास्ते से ले जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग को टास्क समझ आ जाए कि तीनों रास्ते पॉसिबल है, और ख़ुद जो है मैं इस रास्ते से जाऊँगा ताकि वो भी टास्क में आ सके। ठीक है, सो जो थर्ड पर्सन होगा वो तो अभी मेरे पास नहीं है, तो मेरा कैमरामैन मुझे जो पट्टा दे देगा जो मुझे चाहिए। सो मुझे वो पट्टा देना, थैंक यू। अभी अभी हम जो है ये पट्टा पकड़े, मैं यहाँ से आगे जाऊँगा उस स्पॉट पर खड़ाऊँगा, तो फिर आप जो है वो करना है। कैमरामैन थोड़ा सा घुमा के आप। ओके, सो पट्टा मैंने मंगवा लिया है, थैंक यू कैमरामैन। सो यहाँ से मैं जाऊँगा, ये पट्टा देना मुझे, क्योंकि मैं इस पे डायरेक्ट खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने पट्टा क्यों मंगवाया, पट्टा मैंने इस वजह से मंगवाया है कि मैं ये पट्टा यहाँ रखूँ और उस पे मैं खुद खड़े हो जाऊँ, और जो ये पट्टा है ये मैं उठा के इनको जो है वो ये ड्रम आप निकालें। देखिए, सिर्फ टास्क को करने के लिए तीनों रास्ता जो है वो इस्तेमाल करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट बनाया, और ना हम डायरेक्ट यहाँ से फिर फिनिशिंग लाइन पे पहुँच सकते थे, मेरे लिए ज़्यादा इजी था, लेकिन मैंने थोड़ा डिफ़िकल्ट कर लिया ताकि ये भी काम कर सके, हम भी काम कर लें और लोगों को समझ भी आ जाए। ठीक है, सो आपने करना ये है कि जो ड्रम है ना ये मुझे आप दे दें, ये पकड़े हम इसको, थोड़ा सा इसको डाउन कर ले, डाउन कर ले, बस इट फॉल, लेट्स क्लियर इट। ओके, ओके, सो अभी आप इस पे पटा रखें, ठीक है आप आगे आ जाए, चले 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 आगे चले आगे चले, आराम से चले। पट्टे को ऐसे उठाना कि वहाँ पे नीचे ज़मीन पे ना लगे, मुँह सर्फ करके उठा लो, खैर है मुँह सर्फ करके उठा लो। ओके, अभी आपने करना ये है कि आप खुद फिनिशिंग लाइन पे चले जाएं। कमांडर जो है वो इस वजह से बीच में रहता है क्योंकि वो गाइडलाइन भी देता है और वो जो है उनको निकालता भी है, तो मैं इस वजह से टास्क में मौजूद हूँ, इनको मैं पहले बाहर भेज रहा हूँ ताकि टास्क कंप्लीट हो जाए। तो आपने ऐसा ऐसा चलना है ताकि गिर ना जाए, इसको मैं पकड़ रहा हूँ, चले फॉल। ओके, अभी आप पट्टा यहाँ लाए, यहाँ डायरेक्ट रखे, इस स्पॉट पर रखे, रेड वाले स्पॉट पर रखे, क्योंकि अभी इस पे सामान है। फाउल, फाउल हुआ, बार उतरो, फाउल क्लियर, सब क्लियर हो चुका है। ओके, फाउल इस पे पाँव रखो,
ले आप ये लो, ठीक है, और साथ में ये ड्रम उठा लेंगे। ओके, अच्छा एक एक और बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर लास्ट बजे हम तो आ गए ना, हम तो ये मैंने वो ड्रम इस वजह से छोड़ा ताकि वहाँ से कैंडिडेट आ सके। अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये ड्रम हम फिर कैसे उठाएंगे, चलो लास्ट बंदे हम लास्ट, हम दोनों लास्ट है, हम यहाँ पे पहुँच गए, अब ड्रम को कैसे उठाना है, तो ड्रम के जो है वो तरीके, ड्रम को हम जो है वो ऐसे उठा सकते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो लास्ट कैंडिडेट लाजमी होगा, हम ड्रम को जो है वो वाला ड्रम जो हमने उठाना है तो हम ऐसे भी उठा सकते हैं, ये उठाओ। जो हमारे लास्ट कैंडिडेट्स आएंगे ना, हमारे जो लास्ट दो कैंडिडेट्स आएंगे, वो एक यहाँ पे इस तरह बैलेंस करके खड़ा हो जाएगा, वो दूसरा आगे जाएगा वहाँ से ड्रम उठा लेगा। तो हम अगर थोड़ा सा आप लोग कह रहे हो कि प्रैक्टिकल दिखा दो, तो हम दिखा भी सकते हैं, हम यहाँ से जो है यहाँ पे डायरेक्ट जाके प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। सो ये कर सकते हैं हम कि ये पटा रखो इसके ऊपर, डायरेक्ट रखो, आप पहुँच जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप, मैं आगे जा रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे तो अभी मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी जो है यहाँ पे दो कैंडिडेट होंगे, जो लास्ट टू कैंडिडेट्स आएंगे वो ड्रम ऐसे उठाएंगे, ये इस पे खड़े हो, ग्रैब कर लो, इस पे खड़े हो जाओ, आ गया हो, ठीक है। ये तो अभी मैं दोबारा इंटर हुआ हूँ टास्क में, वैसे तो हम बाहर निकले हुए, ये लास्ट कैंडिडेट जो दो आएंगे ना, वो इस तरह जो है इस लास्ट ड्रम को उठाएंगे फिर जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाए, ये देखे हमने ड्रम उठाया, ये ड्रम आप ले आराम से। ओके सो यहाँ से मैं उसको उठा के खुद ले जाऊँगा साथ। अब थोड़ा आ गया है, आ गया जी, आ गया हो, और आ गया हो, और आ गया हो, कि खुद को स्टेबल करो, ये आप पकड़ो और आपने जाना है आहिस्ता आहिस्ता आगे, आप इस पे दूसरे पट्टे पे खड़े हो जाओ, चलो चलो जाओ, चलो चलो, फाउल क्लियर इट, ओके चले चले चले, पट्टा उठाए, पट्टा उठा ले, ओके। सो मैं लास्ट कैंडिडेट हूँ, मुझे यही लास्ट कैंडिडेट आप लोग समझे, और जब इस तरह हम ड्रम उठाएंगे, लास्ट कैंडिडेट जो आएंगे तो उससे इस तरह आके फिनिशिंग लाइन ये उठा ले, वो ड्रम भी उठा ले, ड्रम उठा के रख के। सो ये था हमारा दूसरा टास्क, टास्क तो सेम था, सिर्फ हमने आपको दिखाया कि इस टास्क में हम कैसे जो है वो दो से तीन रास्ते यूज़ करके हम जा सकते हैं। सो टास्क को कभी भी डिफ़िकल्ट ना समझे, कोशिश करें कि इसको एंजॉय करें, और अगर हम इस टास्क को दो कैंडिडेट से कर सकते हैं तो पांच से तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। सो बात क्या है, बात यह है कि आप जो अगर प्लान अच्छा बनाओगे, आपको 2 मिनट बाद दिए जाते हैं तो आप प्लान बनाओ, जब आप 2 मिनट में प्लान बनाएंगे तो आपका टास्क कंप्लीट होगा, अगर आपके पास प्लान नहीं तो आप कभी भी टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। सो और भी इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, और भी मेरे पास एक्सपीरियंस आते तो मैं शेयर भी करूँगा और टास्क भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।